हमने पूरे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर को ध्यान में रखते हुए रेड अलर्ट कर दिया है। जो चिन्हित या संदेही सिमी के लोग हैं अथवा अलकायदा से संबंधित लोग हैं, मैंने डीजीपी को निर्देश दिए हैं पूरे तत्काल प्रदेश के अंदर अलर्ट जारी करके आदेश भी जारी कर दें। लोग तो आए तब तो प्रदर्शन हो, अभी तो दर्शन हो पाते हैं इनके। दरअसल कोविड के आराम के बाद में हम कुछ कर रहे हैं, ये कुछ बुजुर्ग दिखाना चाहते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं। जनता तो कांग्रेस के आंदोलन में कभी रही नहीं, अभी भी नहीं रहेगी। ये अखिलेश यादव यूपी पुलिस से भरोसा नहीं कर रही है। अब ये सोचो, जिस आदमी की उम्र मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने की हो, वो अगर बैरिकेड पर चढ़ रहा है तो उससे अब कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा लगा हुआ। 75 साल के बुजुर्ग, तो फिर युवक कांग्रेस, NSUI, मतलब अब मध्य प्रदेश कांग्रेस में जवानों का टोटा हो गया है। बुजुर्गों के नेता दिग्विजय जी कमलनाथ, युवाओं के नेता जयवर्धन और नकुलनाथ, बाकी कांग्रेस अनाथ। नक्सल को हम मध्य प्रदेश में फैलने नहीं देंगे। हमने लगातार नक्सलियों को ढेर भी किया है मध्य प्रदेश में, हमने उन्हें हमारे पुलिस वालों को पुरस्कृत भी किया है। हमारी टास्क फोर्स की अब वहां पर लगी हुई है। एक केंद्र ने भी हमको दो वाहनियां दी हैं जो हमने बालाघाट में लगा दी हैं। जहां भी जो संदिग्ध मिलता है, पिछले हफ्ते हमने उनका पूरा नेटवर्क ध्वस्त किया है और आगे भी हम उन पर पूरी कार्रवाई करने पर कोशिश कर रहे हैं।